सुर्खियों में बने रहने वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है, जिसका नतीजा है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर कैंपेन तक चलाया जा रहा है और ट्विटर पे एक हैशटैग खूब ट्रेंडिंग पे चल रहा है, #अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री। हालांकि ये मामला तब उठा जब उन्होंने अली और बजरंग बली को लेकर एक बयान दिया था, लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ गई। ऐसे में आप भी जानिए आखिर किस बयान पर और क्यों बागेश्वर बाबा को सफाई देनी पड़ी और उन पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, जो सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें होती है हम उन पर चर्चा करते हैं, हमने सनातनी को जगाने पर चर्चा की है, ये जो मौला अली वाली चर्चा है ये दरबार में कोई जिन आया था, उसने कहा कि मेरा नाम अली है तो मैंने कह दिया फिर मेरे पास बजरंग बली है, अब इस बात को मौला अली से जोड़ दिया गया जो सरासर गलत है, हमने कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं की है। हालांकि अब विवादों में होने की वजह से बाबा को अपने आगे के 2-3 कार्यक्रम पोस्टपोन करने पड़ गए हैं, इनमें लखनऊ और गाजियाबाद में होने वाली बाबा बागेश्वर की कथाओं का कार्यक्रम फिलहाल रद्द किया गया है। 2 जगहों की कथाएं पोस्टपोन होने की वजह से जो समय बचा है उसमें बाबा अपने धाम पर ही दिव्य दरबार सजाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि 11 से 15 अप्रैल तक भक्तों की अर्जी भी लगेगी। उनके अपने धाम पर 11 अप्रैल से दरबार लगेगा। इसके बाद हनुमान जयंती के अवसर पर भी 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 3 दिन का दरबार सजेगा। लेकिन लखनऊ में मौलानाओं ने बाबा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाने की मांग की है और कहा जा रहा है कि अब जल्द ही बाबा के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट सकता है। अली और बजरंग बली का विवाद कहां तक जाएगा ये तो पता नहीं, मगर बाबा कहां तक फंस सकते हैं ये उन्होंने समय रहते ही भाप लिया है और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है और बोला कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिलहाल बाबा के बयान को लेकर बवाल और फिर चुनाव से पहले सियासी सवाल कहां जाकर थमेगा ये तो वक्त ही बताएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।